वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 25 जुलाई 2019। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से न्यूज एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। जो पहला आर्टिकल है वो सोनाली के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? बांग्लादेश के साइंटिस्ट ने पॉलीथीन का एक अल्टरनेटिव तैयार कर लिया है। देखिए, पॉलीथीन हम सभी अवॉइड करना चाहते हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पॉलीथीन का कम से कम इस्तेमाल करें, बिकॉज अब हम अवेयर हैं कि ये कितना नुकसानदेह हो सकता है और कौन कौन सी वैरायटी ऑफ पोल्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं पॉलीथीन के द्वारा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे पास उसका विकल्प क्या है। आप जूट का बैग बरसात में लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि वो भीग जाएगा और अंदर रखा सामान खराब हो जाएगा। हमें कुछ एक ऐसा अल्टरनेटिव चाहिए जो पॉलीथीन की जगह ले सके। बांग्लादेश के साइंटिस्ट ने ऐसा ही अल्टरनेटिव तैयार कर लिया है। उन्होंने जूट के फाइबर को लो कॉस्ट बायोडिग्रेडेबल सेल्युलोज सीड्स में कन्वर्ट कर दिया है, जिसे नाम दिया गया है सोनाली। इसका इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही किया जा सकेगा जैसे हम प्लास्टिक की पॉलीथीन का करते हैं, जैसे कि किसी भी प्रोडक्ट को या मटेरियल को रैप करने में, या कैरी बैग की तरह भी इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब देखिए, जो सेल्युलोज होता है वो प्लांट्स में पाया जाता है। आप इसे फाइबर की तरह समझ सकते हैं जो किसी भी प्लांट को मजबूती देता है। सेल्युलोज हमारी बॉडी पचा नहीं पाती, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है, मतलब ये एटमॉस्फेयर में अपने आप ही डिग्रेड हो जाता है, जैसा कि पॉलीथीन के साथ नहीं होता। तो इस जूट फाइबर बैग को डेवलप किया गया है बांग्लादेश के स्टेट रन जूट मिल्स कॉरपोरेशन के द्वारा। नाम है BJMC, बांग्लादेश जूट मिल्स कॉरपोरेशन, जो वहाँ की गवर्नमेंट ओन्ड कंपनी है। अगर आप फिजिकल क्वालिटीज़ की बात करें तो फिजिकल क्वालिटीज़ बिल्कुल वैसी ही हैं जैसी कि एक प्लास्टिक बैग की होती हैं। मतलब ये वेट में बहुत ही हल्के होंगे, वाटरप्रूफ होंगे, आप इन्हें ट्रांसपेरेंट या कलरफुल बना सकते हैं। कॉस्ट की बात आती है तो शुरुआती दौर में तो इनकी कॉस्ट कंपैरेटिवली प्लास्टिक थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ये बहुत ही इको फ्रेंडली बैग्स हैं, मतलब इनका इस्तेमाल अगर आप गारमेंट्स या पैकेजिंग वर्क के लिए करते हैं तो उसके बाद एनवायरमेंट इन्हें डिग्रेड कर सकता है और ये ह्यूमन हेल्थ के लिए भी हार्मफुल नहीं है। कमर्शियल प्रोडक्शन की बात की जाए तो इन बैग्स का कमर्शियल प्रोडक्शन इस साल के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा। हालांकि सबसे बड़ा चैलेंज इनका लार्ज स्केल अडॉप्शन होगा, बिकॉज देखिए, अगर इनको बड़े स्केल पर अडॉप्ट नहीं किया गया तो इनकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। कंपैरेटिवली अगर आप प्लास्टिक बैग से इनका कंपैरिजन करेंगे तो इनकी कॉस्ट लगभग दोगुनी होगी। अगर आपको एक प्लास्टिक बैग एक रुपए की कॉस्ट में मिल रहा है तो इसकी कॉस्ट लगभग दो रुपए आ जाएगी। हालांकि अगर बड़े स्केल पर इसका इस्तेमाल शुरू हो जाता है तो इनकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो सकती है और वही इस चीज़ के इस्तेमाल को बढ़ावा दे सकती है, जो कि प्लास्टिक से निजात दिलाने में हमारी मदद कर सकती है। तो ये पूरा आर्टिकल सोनाली के बारे में। देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल ये बताता है कि अब टोल प्लाजास पर सभी लेन्स फास्टैग लेन्स होंगी। सरकार ने अभी ये डिसाइड किया है, कॉन्टेक्स्ट यही है कि सरकार ने अभी ये डिसाइड किया है कि 1 दिसंबर से जो टोल प्लाजाज हैं नेशनल हाईवेज पर, वहाँ पर सभी लेन्स को फास्टैग लेन बना दिया जाएगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा? देखिए, फ़ायदा ये होगा कि अभी जो बहुत ज़्यादा कंजेशन और ट्रैफिक होता है वो टोल प्लाजाज पर होता है, क्योंकि वहाँ पर काम मैन्युअली हो रहा होता है। एक व्हीकल जाती है, रुकती है, वो अपनी फ़ी पे करते हैं, रिसीट लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर अगली व्हीकल आती है, इससे काफ़ी समय लग जाता है। लेकिन फास्टैग का, और इसके पहले जब फास्टैग मैकेनिज्म इस्तेमाल किया गया तो इसमें होता यह है कि आपको अपनी व्हीकल के सामने जस्ट एक फास्टैग कार्ड लगा देना होता है जो आपके एक प्रीपेड अकाउंट से जुड़ा होता है। फास्टैग कार्ड्स को बहुत सारी कंपनीज़ रिलीज़ करती हैं। पेटीएम का एग्जाम्पल ले लीजिए, पेटीएम का फास्टैग आपने लिया है, आपके पेटीएम अकाउंट में पैसे हैं, तो जब आप टोल प्लाजा पे पहुंचेंगे तो आपका अमाउंट अपने आपके अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप स्मूथली जा सकते हैं, आपको ना तो रुकना है ना रिसीट लेनी है। इससे सीमलेस ट्रैफिक को इंश्योर किया जा सकेगा और हम टोल प्लाजा पर कंजेशन को भी रोक पाएंगे। हालांकि देखिए, ये बात कही गई है कि सभी लेन्स फास्टैग लेन्स हो जाएंगी। इसके पहले तक होता यह था कि एक या कई सारी जगहों पर एक से ज़्यादा लेन्स, दो लेन्स फास्टैग हुआ करती थी, तो जो फास्टैग व्हीकल्स हैं वो वहाँ से गुजरती थी और बाकी व्हीकल्स नॉर्मल लेन से गुजरा करती थी। अभी ये फैसला किया गया है कि सभी लेन्स को फास्टैग लेन बना दिया जाएगा। हालांकि उनमें एक लेन को हाइब्रिड लेन बनाया जाएगा, जहां पर मैनुअली भी काम किया जा सकेगा और फास्टैग का इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इसका इस्तेमाल ओवरसाइज्ड व्हीकल्स को मॉनिटर करने के लिए किया जाएगा और सभी मोड्स पेमेंट के अवेलेबल होंगे। तो फास्टैग लेन्स क्या होती हैं? ये एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन डिवाइस वहाँ पर लगी होती है फास्टैग लेन्स के पास, जो कि व्हीकल्स से अटैच्ड
जो विंडस्क्रीन पर फास्टैग लगा होता है उससे पैसे को डिडक्ट कर पाती है। इससे ड्राइवर्स को टोल प्लाजास पर रुकना नहीं होता, जब वहां पहुंचते हैं तो वो डिवाइस अपने आप ही जो एक प्रीपेड अकाउंट होता है उसमें से पैसे डिडक्ट कर लेती है। आपने अपनी व्हीकल पर एक फास्टैग कार्ड लगा दिया है और पेटीएम का अगर वो फास्टैग कार्ड है तो आपके पेटीएम अकाउंट में पहले से पैसे होते हैं। RFID टेक्नोलॉजी से वर्क कर रही ये डिवाइस, RFID का मतलब है रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, तो आपकी मूविंग व्हीकल से ही वो पेमेंट डिडक्ट हो जाएगी। इससे आप सीधे मूव कर पाएंगे, स्मूथली मूव कर पाएंगे और आपका जो मूवमेंट है वो हिंडर नहीं होगा, जिससे कंजेशन कम होगा, ट्रैफिक कम होगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने फास्टैग लेन के बारे में डिस्कस किया। अगला आर्टिकल देखते हैं, ये रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि गुजरात की सरकार अभी एक ऐसे राज्य के रूप में इमर्ज हो चुकी है जहां पर सबसे ज़्यादा रूफ टॉप सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है। रूफ टॉप सोलर पैनल का मतलब ये होता है कि छत के ऊपर जो सोलर पैनल इंस्टॉल किए जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाने के लिए किसी भी घर को, उसे रूफ टॉप सोलर पैनल कहा जाता है। तो देखिए, गुजरात की सरकार ने 261 मेगावाट सोलर पावर कैपेसिटी को रूफ टॉप इंस्टॉलेशन के जरिए अचीव किया है, और अगर आप इसे इंडिया के टोटल कैपेसिटी के साथ कंपेयर करें, दैट इज 1700 मेगावाट, तो ये एक बहुत बड़ा शेयर है। गुजरात के बाद नंबर आता है महाराष्ट्र का, जहां पर 198 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर कैपेसिटी को डेवलप किया गया है, इंस्टॉल किया गया है। और फिर नंबर आता है तमिलनाडु का, जहां पर 151 मेगावाट की कैपेसिटी को अटेन किया गया है इंस्टॉल्ड रूफ टॉप कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्रोग्राम के तहत यूनियन गवर्नमेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवा रही है। जो असिस्टेंस 2016-17 में 678 करोड़ का था, जबकि ये असिस्टेंस 2018-19 के फाइनेंशियल ईयर में 446.7 करोड़ का था। इस प्रोग्राम को इंडिया में SBI के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, जिसमें उन्हें वर्ल्ड बैंक ग्रुप का असिस्टेंस भी मिल रहा है। यूनियन गवर्नमेंट ने एम ये किया है कि जो इंस्टॉल्ड रूफ टॉप सोलर कैपेबिलिटी है उसे 40,000 मेगावाट तक लेकर जाना है 2022 तक। तो ये तो बातें रही रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी के बारे में। अगला आर्टिकल देखते हैं, तो अगला आर्टिकल क्राइसोमेलॉन स्क्वामी फेरम के बारे में है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? क्राइसोमेलॉन स्क्वामी फेरम ये पहली ऐसी स्पीसीज बन चुकी है जिसे ऑफिशियली थ्रीटेंड डिक्लेयर किया जा चुका है बिकॉज ऑफ डीप सी माइनिंग। डीप सी माइनिंग क्या होती है? देखिए, डीप सी माइनिंग एक मिनरल रिट्रीवल प्रोसेस है। मिनरल रिट्रीवल प्रोसेस से हमारा मतलब एक ऐसे प्रोसेस से है जिसमें ओशन फ्लोर से मिनरल्स को निकाला जाता है। अब ओशन फ्लोर से कैसे मिनरल्स को निकाला जाता है? एक्चुअली में ये जो डीप सी माइनिंग होती है इसे पॉली मेटलिक नोड्यूल्स को निकालने के लिए किया जाता है, और इन मिनरल्स को समंदर में 1400 से लेकर 3700 मीटर की गहराई से निकाला जाता है, जिसके लिए प्लांट स्टैब्लिश किए जाते हैं। ये जो पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स होते हैं इन्हें मैगनीज नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है, जो कंक्रीट के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। ये मैगनीज और कई अन्य मेटल से बने होते हैं जो कि समंदर की तली में बिखरे पड़े होते हैं। इनकी बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिक वैल्यू होती है, इसके लिए इन्हें समंदर की बहुत गहराई से निकाल लिया जाता है। अब समस्या की बात यह है कि इन्हें जिस जगह से निकाला जाता है वहीं पर ये क्राइसोमेलॉन स्क्वामी फेरम भी रहता है। इन्हें यूजुअली निकाला जाता है, जिस हम पॉली मेटेलिक नोड्यूल की बात कर रहे हैं, इन्हें या तो एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट से निकाला जाता है या फिर एक्सटिंक्ट हाइड्रोथर्मल वेंट से निकाला जाता है। अब देखिए, कई सारी जगहों पर जहां पर ओशियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं, जहां पर ओशियन प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाती हैं, वहां पर एक स्पेस बन जाता है जहां से लावा निकलता है। वो लावा आसपास के पानी को गर्म कर देता है, तो वो जो डिप्रेशन बनता है या जो जगह बनती है उसे हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है। अगर लावा निकल रहा है तो उसे एक्टिव हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है, अगर लावा निकलना बंद हो चुका है तो उसे एक्सटिंक्ट हाइड्रोथर्मल वेंट कहा जाता है। वहीं से ये नोड्यूल्स निकाले जाते हैं, वहीं पर ये स्पीसीज भी रहती है। तो डीप सी माइनिंग की वजह से इस स्पीसीज के खत्म होने का खतरा बढ़ रहा है, इनकी संख्या में कमी आ रही है। ये एक स्केली फूट स्नेल है, एक ऐसा स्नेल जिसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो परतदार होता है, आप उसे इमेज में भी देख सकते हैं। और ये इंडियन ओशियन में केवल 3 जगहों पर पाया जाता है, और ये जो 3 हाइड्रोथर्मल वेंट्स हैं वो इंडियन ओशियन में मेडागास्कर के ईस्ट में हैं। मेडागास्कर के ईस्ट में होने का मतलब ये है कि इंडिया की ओर, ठीक है, उस मतलब नीचे की ओर साउथ में, वहाँ पर ये 3 प्लेसेस हैं जहाँ पर ये जीव पाया जाता है।
इसे IUCN की यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर की लिस्ट में या रेड लिस्ट में इंडेंजर स्पीसीज में डिक्लेयर किया जा चुका है, जगह दी जा चुकी है 18 जुलाई 2019 के बाद से। तो अगला आर्टिकल बाल गंगाधर तिलक के बारे में है। अभी कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें ट्रिब्यूट दिया, श्रद्धांजलि दी। बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक के नाम से भी जाना जाता है, वो एक इंडियन नेशनलिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे और एक लॉयर भी थे। ब्रिटिशर्स अक्सर उन्हें द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा करते थे। उनका ऐसा मानना था कि इंडिया में जो अनरेस्ट शुरू हुआ है उसकी शुरुआत इनके द्वारा की गई है। उन्हें एक ऑनरेरी टाइटल भी दिया गया था, दैट इज लोकमान्य। लोकमान्य का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसे हर व्यक्ति एडमायर करता हो, या फिर एक्सेप्टेड बाय द पीपल और एडमायर्ड बाय द पीपल। उन्हें फादर ऑफ स्वराज के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने स्वराज को इंडिपेंडेंट या इंडिपेंडेंस मूवमेंट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया। उन्होंने स्वराज और सेल्फ रूल, स्वराज से उनका मतलब सेल्फ रूल से था, उसे स्ट्रांगली एडवोकेट किया। इसी दौरान उन्होंने बंगाल विभाजन या बंगाल स्प्लिट के 1905 के इवेंट के बाद स्वदेशी मूवमेंट को भी बहुत ही एक्टिवली स्टार्ट किया था। 1890 में उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था। उनके द्वारा दो न्यूज़पेपर्स भी स्टार्ट किए गए थे, केसरी जो कि मराठी लैंग्वेज में था और मराठा जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था। उन्होंने उनको उनके नाम के साथ एक पॉलिटिकल रिजीम जुड़ा हुआ है। उनके नाम के साथ नाम जुड़ता था बिपिन चंद्र पाल का और लाला लाजपत राय का। इन्हें कंबाइंडली लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को भी ऑर्गेनाइज किया था। किसके साथ? गोपाल गणेश आगरकर और महादेव वल्लभ नाम जोशी और विष्णु शास्त्री चिपलुंकर जी के साथ। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? इस सोसाइटी का उद्देश्य यंग इंडियंस को नेशनलिस्ट आइडियाज के बारे में जानकारी देना था और इंडियन कल्चर पर इम्फेसिस करना था। इनके द्वारा ऑल इंडिया होम रूल लीग को भी स्टैब्लिश किया गया था 1916 में। किसके साथ? जोसेफ बतिस्ता, एनी बेसेंट और मोहम्मद अली जिन्ना के साथ। उन्होंने गणेश भगवान की जो हाउस होल्ड वर्शिपिंग होती थी उसे सार्वजनिक गणेशोत्सव में कन्वर्ट कर दिया 1894 में। गणेश चतुर्थी को, जिसको तिलक जी के द्वारा शुरू किया गया था, आज महाराष्ट्र के कुछ या उसके आसपास के स्टेट्स में बहुत ही प्राइम फेस्टिवल के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। उन्होंने शिव जयंती के सेलिब्रेशन को भी बहुत हाईलाइट किया। छत्रपति शिवाजी की बर्थ एनिवर्सरी को बहुत हाइप करके सेलिब्रेट करने की शुरुआत तिलक जी के द्वारा की गई। इनका उद्देश्य इन सेलिब्रेशंस को हाइप करने का ये था ताकि लोगों के अंदर एक यूनिटी की फीलिंग आ सके। जब लोग एक साथ मिलकर सेलिब्रेट करेंगे तो उनके मन में ये भावना आएगी कि हम सभी एक हैं और अगर हमें समस्या पड़ती है तो एक साथ मिलकर हमें लड़ाई भी लड़नी है। 2007 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कॉइन भी रिलीज किया था उनकी 150th बर्थ एनिवर्सरी को कॉमेमोरेट करने के लिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज वॉज वर एसोसिएटेड विद फाउंडिंग ऑफ होम रूल मूवमेंट ऑफ 1916। ऑप्शंस हैं एनी बेसेंट, मैडम ब्लोवेट्सकी, ए ओ ह्यूम और बाल गंगाधर तिलक। जवाब आपको पता है, द आंसर इज 1 and 4, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। मैडम ब्लावर्सकी थियोसॉफिकल सोसाइटी से एसोसिएटेड थी, जबकि ए ओ ह्यूम इंडियन नेशनल कांग्रेस के एस्टैब्लिशमेंट से एसोसिएटेड थे। आंसर यहां पर भी बताया गया है, दैट इज सी। तो यहां पर हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।